after driving Renault Triber for almost 3000 kilometers on CNG, I finally had a chance to test its performance with full capacity, 9 passenger, 8 persons and 1 child. तो गुड़गांव में हम जा रहे हैं शीतला माता का मंदिर और साथ में हमारी पूरी फैमिली आज, तो मेरी सिस्टर है और जिया जी और उनके बच्चे, उन सबको लेके हम फिर जाएंगे आज वहाँ पर। आज ये भी टेस्ट हो जाएगा कि Renault Triber में फुली लोड करने के बाद CNG में परफॉर्मेंस क्या आती है, क्या गाड़ी दबती है, क्या ये 1000cc का जो इंजन है Renault Triber में वो कामयाब है, क्या वो दबता है, क्या वो इतना पावरफुल है कि इतने सारे लोड को सहन कर सके और सही से गाड़ी चल सके। तो इसका टेस्ट भी आज हो जाएगा और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सारे बैठ गए, यूवी, लक्की, किट्टू, मम्मी, दीदी, मीनाक्षी, जिया जी, सब बैठ गए हैं। फुली लोडेड होगी, सही बैठ गए ना। चलें, क्या ये परफॉर्म कर पाएगी, चलिए देखते हैं। तो फाइनली आ गए हम शीतला माता मंदिर में, ये देखिए, और इसकी यहाँ पर शूज़ आप रख सकते हैं और फिर इसके बाद एंट्री होगी यहाँ से। अब हम यहाँ पर कुछ पहुँच गए हैं, कुछ पहुँचने गए, मंदिर गेट पे पहुँच गए, यहाँ से आपके आगे मंदिर। चलो, ये लड़की सोते उठती है, थोड़ी सी अभी भी नींद आ रही है। तो अभी हम भैरव बाबा के बाहर हैं, यहाँ पर मंदिर में, और उसके बाद हम जाएंगे वहाँ पर। देखिए वहाँ पे तालाब की मिट्टी निकाली जाती है। तो हमारे दर्शन अभी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं वापस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि Renault Triber में अगर CNG आपने लगवाई है और उसके बाद अगर आप गाड़ी को फुली लोड करके पैसेंजर से, लाइक कल हम गए थे शीतला माता के मंदिर गुड़गांव में, तो वहाँ पे हम जो गए थे तो हमारी पूरी फैमिली प्लस में मेरी दीदी की फैमिली, तो हम सारे मिला के 8 हम बड़े थे और 1 बच्चा था, यानी कि 9 सवारी थी। तो मैंने कहा था कि उसमें देखते हैं कि उसके बाद CNG में परफॉर्मेंस किस तरह की आती है। तो ऑब्वियसली जैसे जो भी मैं आपको बताता हूँ, यानी कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं आपको ऑनेस्टली रिव्यू देने की कोशिश करता हूँ, ऑनेस्ट ओपिनियन देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको सही पिक्चर मिल सके। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं ड्राइव करता हूँ वो अलोन ड्राइव करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर आता हूँ, तो मोस्टली मैं ऐसे ही ड्राइव करता हूँ। मैं वीकेंड में 1-2 बार मैं फैमिली के साथ ड्राइव करता हूँ, जिसमें सिर्फ मेरी फैमिली होती है, जिसमें हम 4 मेंबर हैं। तो जिसमें हम 4 मेंबर हैं तो उसमें मैं ड्राइव करता हूँ, तो CNG की परफॉर्मेंस में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और मुझे जो ड्राइव करते वक्त पता ही नहीं चलता है कि मैं पेट्रोल में चला रहा हूँ या CNG में चला रहा हूँ। CNG लगवाने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको जहाँ पर आएगी वो आएगी जैसे कि आप ट्रैफिक में हैं, ठीक है, ट्रैफिक में हैं और वहाँ पर आपका AC ऑन है, तो वहाँ पर आपको थोड़े से जर्क वगैरह फील हो सकते हैं और उसका मेन कारण है कि जो इसमें स्पार्क प्लग्स हैं वो आपको चेंज कराने पड़ते हैं, ठीक है। मैंने अभी नहीं कराए हैं, मेरे को थोड़े बहुत जर्क फील होते थे, बट मैंने सोचा चलो मैं करा लूँगा, अभी चल रही है, जितना ज़्यादा अगर होंगे क्योंकि ज़्यादा ही ट्रबल करेंगे तो फिर मैं उसको चेंज करा लूँगा। और अब तो आ गई है सर्दियाँ, तो अब वैसे ही ज़रूरत नहीं है किसी, AC तो बहुत कम ही चलता है और आने वाले टाइम में कम ही चलेगा, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे जर्क ज़्यादा फील होंगे सॉरी, तो मैं फिर ट्राई करूँगा इसमें स्पार्क प्लग चेंज करा दूँगा, क्योंकि कई लोगों ने, मैंने वीडियो देखे हैं उनके, उन्होंने स्पार्क प्लग चेंज करा दिया तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो वो तो थी बात नॉर्मल जैसे ड्राइव करते हैं, लेकिन फुली लोड करके मैंने कल ही पहली बार ट्राई की है। और पहली बार ड्राइव किया था तो हम गए थे ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर के आसपास हम गए थे। तो आप जैसे ड्राइव करते हैं तो थोड़ा सा आपको पावर की कमी फील होती है। जब आप फुली लोडेड है, यानी कि आपके गाड़ी में 8 या 9 सवारी बैठी हैं, तो आपको थोड़ा सा फील होगा पावर में, क्योंकि वो जो है CNG है, CNG इतनी पावरफुल नहीं होती है। तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि हाँ थोड़ी सी पावर कम है, लेकिन जैसे ही हाईवे पे चली जाती है उसके बाद तो कोई डिफरेंस ऐसा नहीं होता है, बस आपको पिकअप में ही थोड़ा सा इस तरह का लगता है। और बाकी जैसे ही आप इसको पेट्रोल पे कन्वर्ट कर देते हैं तो पेट्रोल में ऑब्वियसली कोई भी आपको डिफरेंस या कोई भी पावर की कमी नहीं महसूस होती है। काफ़ी पावरफुल है, 1000 सीसी का इंजन बहुत पावरफुल है इसका रेनॉल्ट ट्राइबर का, तो कोई भी किसी भी तरह से परफॉर्मेंस में उसकी कमी नहीं है। बट यस, CNG में अगर आप काफ़ी बंदे गाड़ी में बैठे हो, यानी कि अगर आप 4 बैठे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 बैठे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे 8 या 9 बंदे बैठ गए किसी तरह से आपको, क्योंकि अब मैंने CNG लगवाई थी और मैंने दिखाया कि पीछे भी आप आराम से बैठ सकते हैं। थोड़ी सीट को एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा स्पेस में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट उसके बाद आप आराम से बैठ सकते हैं। तो 3 बंदे पीछे बैठ गए थे, 3 फिर यहाँ बीच मिडल वाली रो में और 2 आगे, और एक बच्चा था तो वो गोद में था। तो ये सारे चीज़ें होने के बाद और इतनी फुली लोड होने के बाद थोड़ी सी आपको पावर में फील होगा अगर आप CNG पे चला रहे हैं, लेकिन पेट्रोल पे बिल्कुल भी फील नहीं होता है। और गाड़ी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप CNG लगवाना चाहते हैं तो बेफिक्र होके आंख बंद करके आप लगा सकते हैं। और ये गाड़ी बहुत ही अमेजिंग है, अफोर्डेबल है और फैमिली कार है, और आप कह सकते हैं जैसे कि MPV बोलते हैं, मल्टीपर्पज़ व्हीकल, तो डिफरेंट पर्पज़ के लिए काम आती है। इसकी लुक भी बहुत अमेजिंग है, SUV वाली लुक है। और इस प्राइस रेंज में इस तरह की कार आपको और शायद ही कोई मिले। तो अगर आप सोच रहे हैं ड्राइवर लेने की तो बेफिक्र होके आंख बंद करके फटाफट इसको ले लें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया है तो लाइक कर दें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर दें, साथ साथ बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मैं ऐसे ही यूजफुल ड्राइवर से और कार से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे डालता रहता हूं, तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। जो भी लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि रेनॉल्ट ट्राइबर लेनी है, या फिर वो लेने की सोच रहे हैं कोई नई कार, तो एक बार उनको इस तरह के वीडियो देख लेने दीजिए और उसके बाद वो जो मर्जी चाहे वो कार ले सकते हैं। सो यही था आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।